फतेहपुर में दो संप्रदाय के बीच जमीन के विवाद में हुई युवक की हत्या, जिसके मामले में शासन ने मृतक के परिवार वालों को 20 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं डीएम का कहना है कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि सदर कोतवाली के आबू नगर इलाके के नई बस्ती ईदगाह के पास जमीन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इसमें पैमाइश संबंधी था, वो जो कि कब्रिस्तान पे अवैध कब्जे को लेकर एक शिकायत आई थी तहसील में, एसडीएम साहब के पास। उसमें निर्देशित किया गया था लेखपाल और कानून को, गए थे मौके पर। तो वहाँ पे पैमाइश के दौरान ही दो पक्ष जो थे वो आपस में बात करने लगे, उसी में फायरिंग। तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतक को 20 लाख रुपए आर्थिक मदद का की घोषणा की गई है, और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि इसमें जो दोषी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी। जब पैमाइश हो रही थी तो राजस्व की टीम रही होगी, फोर्स रहा होगा, गोली चली के बाद वहाँ आगजनी भी हुई, चार चार बाइकें फूंकी गई। आखिर वहाँ पर फोर्स था, फोर्स क्या कर रहा था? मौके पे दो लेखपाल हमारे मौजूद थे और फोर्स जो थोड़ी दूरी पे थी। तो जैसे ये घटना हुई है उसके बाद लेखपाल और दोनों लेखपाल जो थे वो मौके से जो है थोड़ा बगल में हट गए, और जब तक फोर्स वहाँ पे आती तब तक इन लोगों ने जो एक लेखपाल की बाइक और साथ में तीन वो जो विपक्षी जो थे उनकी बाइकों में आग लगा दी थी। कहीं ना कहीं फोर्स या राजस्व टीम की लापरवाही है साबित हो रही, कोई कार्रवाई ये एट वंस हुई और जब तक हमें रिएक्शन का मौका मिलता तब तक ये कार्रवाइयाँ हो गई थी। और उसके बाद वहाँ पे फोर्सेज वगैरह लगा दी गई हैं कि जिससे ये आगे जो है घटना और ये जो सांप्रदायिक माहौल जो है न बिगड़ सके और साथ ही साथ ये घटना आगे न बढ़ सके। क्या टीम और फोर्स वहाँ पर मौजूद था, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ तक? अभी उनकी जांच हम करवाएंगे और यदि कोई उनकी इसमें लापरवाही सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।